प्यार हम रस काके कैले बड़ प्यार। तो हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी अभी जो आप लोगों ने स्टेटस देखा है, सेम ऐसा स्टेटस मैं आप लोगों को एडिट करने के लिए बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये ब्रश वाला ऑप्शन कैसे लगाया जाता है और जो पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है वीडियो वो कैसे लगाया जाता है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एडिट किया हुआ है, सेम ऐसा ही मैं आप लोगों को बनाने के लिए बताऊंगा वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक से एक एडिटिंग वीडियोज लेकर के आया करता हूँ, तो आप लोगों को इतना फर्ज तो जरूरी बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अपने काइंड मास्टर के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइज आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं 16.9 रखूँगा, तो यहाँ पर 9 तक के यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आपका फाइल का पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। तो मैंने एक ये एडिट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये ब्रश वाला, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं ये मैंने एडिट करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये ब्रश वाला कैसे लगाया जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर अपना वीडियो लगा करके बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये वाला वीडियो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको मैंने एडिट किया हुआ है और ये वाला आप लोग भी बना सकते हैं। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये वाला मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को नहीं लेना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से यहां पे आ जाना है मीडिया पे, फिर यहां पे इमेज पे आ जाना है और सफेद बैकग्राउंड यहां पे ले लेना है, देख लीजिए। और जितना लंबा आपका वीडियो है उतना लंबा इसको ले लीजिए। फिर उसके बाद लेयर पे आ जाना है, लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद सिंपली आप लोगों को इस वीडियो को ले लेना है, ये वाला डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और इसको आप लोगों को कर देना है यहां से फुल साइज, तो इस पे आ जाना है आप लोगों को। अभी यहाँ पे फुल साइज कर देना है। अभी सिंपली आप लोगों को करना यह है कि उस वीडियो को, जो वीडियो इसके बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, उस वीडियो को ले लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो मैं आ जाता हूँ उस वीडियो को लेने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस वीडियो को ले लीजिए। तो ये वाला रहा मेरा वीडियो, तो मैं इस वीडियो को ले ले रहा हूँ। इसको लेने के बाद इसको आप लोगों को सिंपली इधर फालतू जो वीडियो है उसको काट के हटा दीजिए। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ से। वीडियो में ले चुका है जिस वीडियो को इस ब्रश वाले में लगाना है, मैं तो ये वीडियो वाला ले चुका हूँ। तो सिंपली आप लोगों को इस लेयर पे क्लिक कर देना है और इसका जो आप लोगों को यहाँ पे काला काला सा दिखाई दे रहा है इसको कट कर दीजिए। उसके लिए आप लोग यहाँ पे नीचे आना है और क्रोमा के नहीं करना है आप लोगों को, और नीचे आ जाना है, क्रोपिंग पे क्लिक कर देना है। क्रोपिंग पे क्लिक करने के बाद इसको जूम कर लीजिए, यहाँ पे छोटा करके लगा दीजिए पूरा ताकि दोनों साइड दिखे। तो ये हो गया है और थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इतना पर रहेगा गाइस। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये जितना बड़ा ब्रश है उसके पे आप लोग लगा दीजिए इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ब्रश के साइज़ में ये आ चुका है। तो सिंपली आप लोगों को क्लिक यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। तो ये पीछे के साइड में चला जाएगा और ये वाला जो है ऑप्शन, जो ब्रश वाला है, इसको गायब कर दीजिए जो पीला सा दिखाई दे रहा है। तो क्रोमा की पे आ जाना है और यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। और अगर आपका नहीं हट रहा है तो सिंपली इसी पे क्लिक करके पीला वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो सिंपली ये वाला थोड़ा सा इधर करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। अब देखिए, एक बार प्ले करके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पीला सा दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा, इस वीडियो को और थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए आप लोग, इस वीडियो को आप लोग को ऊपर करना है, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए इसको। तो गाइज, अब ये हो चुका है। अब फिर से एक बार आप लोग प्ले करके इसको देख लीजिए। तो गाइज, अभी मैं इस पे जो लिखा था उसको लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक कर देना है, मीडिया पर नहीं, यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को।
और सिंपली इसका राइटिंग चेंज कर लीजिए आप लोग। उसके लिए यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने को सिंपली ये वाला राइटिंग ले लेना है। फिर उसके बाद सिंपली अब आप लोगों को करना है कि नीचे आना है, नीचे आने के बाद इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद सिंपली फिर से इसी लेयर पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है और इस वाले पे क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना है। इसमें ब्लैक वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इसको ऐसे ऊपर साइड से लेकर के आइए। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे इन वाले पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट नंबर वाला। फिर उसके बाद नीचे आइए और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये शुरू से देख लीजिए। अब ऐसे आप लोग लगा दीजिए। अगर आपका कम पड़ रहा है तो इधर से इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं एक बार पूरा लिख ले रहा हूँ, क्योंकि पूरा अगर लिखूंगा आप लोगों को दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा वीडियो में। तो मैं पूरा सबसे पहले लिख ले रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिख चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा मैं लिख चुका हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को इसको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी कुछ पूछना है तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी वीडियो के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके।